कि रमजान हो और क्रिकेट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आपके भाई की है अफ्तारी, मतलब अलग ही स्वैग है भाई यहाँ पे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाललीन। 170 स्पीड कुछ भी नहीं है, आपके भाई ने ना 270 की स्पीड से खेली है बॉल। अबे सीधा खेलना, क्या टेढ़ा हो रहा है? तो यही तो बात है, क्लास है भाई की। ऐसी बॉल डालनी है इतनी खतरनाक जो उसके अंदर घुस जाए। व्हाट अ बॉलिंग, ओए टूट गए, मुंह टूट गया, बचाओ। जो के मेंबरशिप 6000 रुपए की, लेकिन आपको जो फाद भाई की वीडियो देख के आएंगे उनके लिए जो ने सिर्फ 4999 की, 5000 में 100 ओवर। बॉल्स ऐसी खतरनाक डालूंगा सोनू भाई के अंदर घुस जाएगी, ये चेक करो। आ ओ हो, और कर ये मैं मार लगा। आ बॉल सोनू भाई की गिल्ली उड़ा दी। अबे यार क्या यार, बस दिल टूट गया। असम से अगर मुझे खिला लेते ना तो मैं क्या कुछ नहीं कर देता। अबे 93 पे ऑल आउट हो गए अफगानिस्तान से। अबे यार कसम से मैं बोल रहा था फहद भाई को खिला लो, अगर नहीं सुनना ही नहीं है किसी को। भाई आपका भाई जो है ना चैंपियन है। बातें करने से अगर बच्चे पैदा होते ना तो सबसे ज्यादा मेरे होते, समझा यार? सही बोल रहे हो। बस यार दिल खराब हो जाता जब अपनी टीम नहीं खेलती ना। अब फहद भाई को अगर खिला लेते तो क्या हो जाता तुम लोगों का? फहद भाई जब भी खेलते हैं ना सेंचुरी वेंचुरी तो मतलब मारते ही मारते हैं। कहाँ से, आगे से पीछे से? गाड़ी तो सही चला ले, क्रिकेट की बातें कर रहा, आगे सामने देख। क्रिकेट जो है ना आपके भाई का लव है, और क्रिकेट के बगैर जो है ना आपका भाई मतलब समझ लो अधूरा है। क्रिकेट जब दिल के अंदर बसा होता है ना तो आपके भाई की परफॉर्मेंस भी वैसी होती है। बल्ला लेके सो जाया करो ना रात में। क्या यार अफगानिस्तान से हार गई हमारी पाकिस्तानी टीम। अबे मुझे खिला लेते ना अगर तो मैं आप लोगों को बता देता कि आपका भाई क्या चीज है। अफगानिस्तान से हार गई यार, कसम से सोनू भाई मैं अपना कहां सर मारूं। आज आपका भाई आया है अपने काले डाले के अंदर। जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ना उन लोगों को ये वीडियो देख के बहुत मजा आने वाला है, तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब आपका भाई जा रहा है इंडोर क्रिकेट के अंदर। चेक करो भाई माशाल्लाह कितना खूबसूरत है इंडोर क्रिकेट वाला सीन। ये तो दिखाया, ओ भाई साहब, भाई आपका भाई भी तो क्रिकेटर है ना यार। वहां गए तू कच्चे वादी का, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है। अभी आपका भाई जो परफॉर्मेंस देगा ना वो तुम लोगों की सोच है। भाई इंडोर क्रिकेट में इसलिए लेकर आया आपको क्योंकि आपका भाई दिखाएगा कि आपका भाई क्या चीज है। छोड़ो ये जगह देख कितनी खूबसूरत जगह है। अरे भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, जगह चेक करो भाई साहब। यहाँ तो मैं भी क्रिकेट खेलूंगा यार। अरे तुम्हें क्रिकेट खेलना आता कहाँ है? आपका भाई यहाँ क्रिकेट परफॉर्मेंस देके दिखाएगा, कैसे शॉट्स मारता है, कैसी शॉट सिलेक्शन है, कैसी कवर ड्राइव मारता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कवर ड्राइव क्या होती है। और आप जगह चेक करो यार, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई साहब, अबे यार पानी को देख के मुंह में प्यास लग रही है यार। सोनू भाई जल्दी से रोजा खुलवा दो यार, अजान दे दो यार जल्दी से। अबे यार इतना रोजा लग रहा है और किचन के अंदर से इतनी मजे मजे की खुशबूएं आ रही है। ओ भाई साहब यार ये क्या पक रहा है? अरे भाई साहब अंदर चल, रोजे में ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओ भाई साहब, अरे भाई, ओ भाई साहब ये बीफ का इतना बड़ा, इतने मजे मजे की खुशबूएं आ रही है। ओ भाई साहब रोजे में ये सब देखना पड़ रहा है। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ओ भाई साहब सोनू भाई रोजा लग रहा है यार। अब कितने जालिम शेफ है यार ये बंदा। ओ भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी से रोजा खुले, किचन से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, इतने मजे मजे की खुशबू आ रही है। और यू चेक करो यार मेरा रोजा है, वरना तो मैं इसको फोड़ जाता है। सुनू भाई 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, के बाद हम रोजा खोल के क्रिकेट खेलेंगे अपना लव। इन्होंने डाल दिया मक्खन, अरे भाई साहब क्या खुशबू आ रही है मक्खन की। अरे भाई साहब, ओ भाई बीफ, ये खुशबू मेरे तन बदन में जा रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। ये तो फूड वाला चैनल बन गया, अभी तो क्रिकेट खेल लेते हैं, फूड पे कहां से आ गए हैं। भाई कोई बात नहीं, देखो फहद भाई जो दिखा देना वो देखा करो बस। ओ भाई साहब मस्टर्ड सॉस आ गया भाई। ओ भाई आपके भाई से तो रहा ही नहीं जा रहा, चलो शेफ ही बन जाते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, खा तो सकते नहीं है, चलो शेफ ही बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये आ गया चीज, अभी ठप्पा लग रहा है क्रिकेट के पिच का इंडोर वाला। ओ भाई साहब दी पिच, और अभी इसको खाने के बाद और ज्यादा फुर्ती आ जाएगी क्रिकेट खेलने में। सोनू भाई, अरे भाई साहब 10 मिनट रह गया रोजा खुलने में, और ये चेक करो भाई इनकी थीम बहुत टाइट है, मतलब फुल क्रिकेट से रिलेटेड। बंदा यहाँ पे फूड भी एंजॉय करे, खेले कूदे भी, मजा ही आ जाए। ये मेन्यू कार्ड है इनका, मतलब बेड पे मेन्यू कार्ड है और रमजान भी लिखा हुआ है। भाई रमजान हो और क्रिकेट ना हो,
ऐसा हो सकता है क्या? सुनो भाई, क्या मंगवाना है? जो भी है सब कुछ। सब कुछ मंगवा ले, सब कुछ। उसको बोल दे ऑल चीजें ले आओ, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं यार। हाँ। क्योंकि रोजा रखा हुआ है भाई। सुनो भाई, तुमने तो पहली बार फिर रोजा रखा है ना, ये रोजे में क्या क्या देखना पड़ रहा है? अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। अरे भाई साहब एक और डिश आ गई। अरे भाई सुनो भाई, ये रोजे में क्या क्या देखना पड़ रहा है? अरे भाई साहब माशाल्लाह, चेक करो हमारी अफतारी कैसी टाइट आई है उस्ताद। ये आपके भाई की है अफतारी, मतलब अलग ही स्वैग है भाई यहाँ पे। सोनू भाई, हाँ। मतलब ये सब चीजें देख के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। क्या रहा नहीं जा रहा, मतलब भूख लग रही है ना, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। 2 मिनट रह गए। पिज्जा पराठा, बीफ बर्गर, लेमिनेट, दिल चाह रहा है बस इस पे टूट पड़ जाऊं, रुका जा ही नहीं रहा। क्या लजीज खाना लग रहा है बीड़ू। आप लोग भी अगर रोजे में देख रहे हो तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैं अभी रोजे में अपनी आंखों से देख रहा हूँ भाई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अफ्तारी तो कर ली, अब बारी है नमाज पढ़ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, आपके भाई ने पढ़ा दी, इमामत कर ली। और रमज़ान का ना एक अलग ही सुकून होता है माशाल्लाह। पीछे हमारे भाई जो हैं वो सुन्नतें वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब एक अलग ही लेवल होता है रमज़ान की। जो वाइब्स होती है ना, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ रमज़ान रहे, मतलब इतना सुकून और इतना मज़ा आता है रमज़ान में। मतलब देखो एक अलग ही नूर आ रहा है। एसी बना दे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, काश ये रियल लाइफ में भी ऐसी हो जाए बंदा। आमीन आमीन। मतलब लोगों की वाट लगाने से देखो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है बंदा नमाज पढ़ता है, काश ऐसी हो जाए बंदा। माशाल्लाह से नमाज का निशान भी बनना शुरू हो गया, कितना खूबसूरत हो गया, काश ये सारी जिंदगी ऐसी हो जाए बंदा। ये आपका भाई आया नमाज पढ़कर और आपके भाई के सामने इन्होंने मीठा रख दिया, स्प्लिट कुकी और लोटस मिल्क शेक। चल रहा हूँ माशाल्लाह, इसको तो देख के मुंह में पानी आ रहा है भीड़ू। बात भाई ना, फूड के तो दीवाने दीवाने। भाई आपके भाई ने कपड़े बदल लिए, समझ तो गए होगे, अब आपका भाई खेलने वाला है फुल टाइम चपाटर क्रिकेट। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बाप जगह है यार, ये चेक करो। अरे भाई साहब ये चेक करो, मशीनें लगी हुई लाइन से, 1 2 3। आपका भाई यहाँ पे हार्डबॉल भी खेल सकता है, किरमिज भी खेल सकता है, मगर किरमिज तो बच्चे खेलते हैं, उन तो हार्डबॉल खेलता है भीड़ू। तू मर्द का बच्चा है तो मैं तुझे बॉलिंग कराता हूँ मशीन से और खेल के दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके भाई के तो मुंह में पानी आ रहा है भीड़ू। यहाँ चेक करो, पैड्स ही पैड्स, ग्लव्स ही ग्लव्स। अबे तुम लोग कब तक खेलते रहोगे किरमिज की बॉल से, अबे बड़े हो जाओ हार्डबॉल खेला करो। और ये मशीन के अंदर ना इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड है, 170 स्पीड कुछ भी नहीं है। आपके भाई ने ना 270 की स्पीड से खेली है बॉल। इधर ना 3 पिचेस हैं, 1 2 3, और इतनी चौड़ी चौड़ी है। आपका भाई फुल टाइम शबाडर शॉट मारेगा। बीच की वो पिच पे खेल चुका है, तुम मिडिल का बच्चा है। रुक तो जाओ, अभी मुझे पैड्स तो पहनने दो, फिर तो मैं बताता हूँ। ये कौन सा पर्दा कर रहा है भाई, किस चीज को पर्दा करवा रहा है? पर्दा नहीं कर रहा, गार्ड पहन रहा हूँ चाचू। कैसा गार्ड है? सुपरमैन की चड्डी लग रही है जो ट्राउजर के बाहर पहनता है वो। अबे भाई इस बंदे को कौन समझाया भाई, 51st भाई, आपको गार्ड भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनना है, हेलमेट भी पहनना है। इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग भी इंपॉर्टेंट है। दिमाग की सेफ्टी कहाँ है? दिमाग की सेफ्टी ये रही ना चाचू, ये रही, ये दिमाग की सेफ्टी है। आपका भाई फुल टाइम खतरनाक शपाटर क्रिकेटर है। तुम लोग क्या समझते हो आपके भाई को? आपका भाई कभी हल्के में आता ही नहीं है। भाई आपका भाई तैयार हो चुका है, अब आएगा मजा, अब मारेगा आपका भाई छक्के चौके। यार पीसीबी वालों को बोलो यार इंटरनेशनल में फात भाई को खिलाओ। फात भाई जब इतना अच्छा खेलते हैं तो इंटरनेशनल में क्यों नहीं खेल ले? अबे 93 पे आउट हो गए। आपका भाई जाता ना ऐसे खड़ा होता यूं,
और यूं शॉट मारता, ऐसा छक्का जाता। अभी आपका भाई करके दिखाएगा देखना। ओ भाईजान हेलमेट पहन लो, हेलमेट, अगर बॉल मुंह पे लग गई तो बेड़ा गरक हो जाएगा। ईद आने वाली है, कैसे मुंह दिखाओगे लोगों को? शराब गोट की मंडी में सांडे बेचने वाले शख्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई साहब इतनी तेज बॉल, अबे भाई साहब डर लग रहा है, एक तो मशीन की बॉल है। शॉट देखा आपने भाई का? शुरू शुरू में पता नहीं क्या होता मेरे साथ। उए, आपने देखा होगा मैच में भी शुरू शुरू में मेरी फटती है पता नहीं क्यों, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहता हूँ ना, फिर थोड़ा सा आदत हो जाती है। छे छे आपके भाई का बैटिंग कर रहा है और ये मुंह पे आए इसके। और देख लो भाई उनके सामने बोल के मैं आपका भाई हूँ। अबे सीधा खेलना, क्या टेढ़ा हो रहा है? यही तो बात है, क्लास है भाई की। फिर उल्टा, फिर उल्टा बेटा, ये होती है क्लास, बैट्समैन की क्लास है ये। अबे बहुत ताकत है भाई, ये बिल्डर है, बिल्डर यूएफसी हैवीवेट चैंपियन है ये, लड़कियों में इसका क्रेज है। गौर से देखो टिंडपे वाला लग रहा है ये, तो ऐसी बॉल डालनी है इतनी खतरनाक जो उसके अंदर घुस जाए। हाँ ठीक है, बड़ा पन्ने खान बन रहा था इसको, मैं बताता हूँ, बड़ा बैट्समैन बन रहा, बड़ा टेढ़े मेढ़े शॉट मार रहा है ना तू बबलू के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। स्टार्ट। आए हाय हाय हाय, एक तो इतना मोटा बैट्समैन, इंजमाम उलग की याद दिला दी मुझे, लेकिन इंजमाम भाई की क्लास थी, हेलमेट पहन लिया पट्टू ने, जबरदस्त। अबे 170 पूरा क्लीन बोर्ड, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ बॉलिंग। ओए टूट गए, मुंह टूट गया, बचाओ एम्बुलेंस। 170 की स्पीड से बॉल आ रही है, 165, बबलू की कमर गई। ओए गया गया गया, अबे कवारा मर जाएगा तू, बॉल लग गई। नाजिन बैट्समैन की फट गई, 170 की स्पीड है। क्या कर रहे हो, 170 की स्पीड से बॉल आ रही है, मगर आपका भाई हिम्मत से खेल रहा है फिर भी। ओह 170 की स्पीड से यहाँ पे बॉल लगी है यार, मेरे हालत खराब हो गई, मगर अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, मैंने बोला 170 की स्पीड से बॉल खेल के ही दम लूंगा, ऐसी की तैसी। अब आ जाओ बेटा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे कैसे शॉट्स मारता हूँ। भाई आपके भाई की तो हालत खराब हो गई है खेल खेल के, मगर आपका भाई जो है ना क्रिकेट का इतना दीवाना है, जितना भी थक जाए ना मगर नहीं थकता, फिर भी बोलता है नहीं यार अभी खेलना है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है हमने फैमिलीज के लिए जो है पिच भी अलग रखी है, जैसे कि होते हैं कि बच्चे वगैरह जो है फीमेल्स वगैरह खेलना चाहती है तो उनके लिए हमने सेपरेट पिच रखी हुई है। अच्छा। उसपे लॉन्डो का अलाउ नहीं है। अच्छा। तो जाने के बाद जब एक डेडिकेटेड पिच करी तो उस पर लॉन्डो का जाना बनता नहीं, कराची वालों को जब तक खापा ना मिले तो फायदा नहीं है। ये बात तो सही है, हमने जो है ना कैफे बनाया, कैफे में जो है हमने लॉन्डो का सेटअप अलग, लॉन्डो का सेटअप अलग है और फैमिली का सेटअप अलग है। ये अच्छी चीज है, पता है अगर हम नाइट मैच खेलते ना तो हमें डर होता है, फिर वो गाना चलता है आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, फौरन डकैत आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि बंदा इंडोर क्रिकेट में आके खेले, यहाँ से चिल मार के वीडियोस बनाए, व्लॉग बनाए, एक तो सिक्योर है, दूसरे दिन सामने बैठ सकते हैं बच्चे उनके, यहाँ पे जो है ना खेल सकते, बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते। भाई ये चेक करो मेंबरशिप भी मिली है यार, यहाँ पे तो टाइट सीन है। मेंबरशिप आपकी एक महीने की, जिसके अंदर 100 ओवर है, आप इसको एक दिन में अवेल कर ले या पूरे 30 दिन में अवेल कर ले, जो कि मेंबरशिप 6,000 रुपए की, लेकिन आपको जो फहद भाई की वीडियो देखे आएंगे उनके लिए जो है सिर्फ 4,999 की, 5,000 में 100 ओवर बहुत है। तो अगर आप लोग भी क्रिकेट के दीवाने हो ना तो यहाँ पे आके इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, फहद भाई का रेफरेंस दोगे ना आप तो आपको आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है भाई, मतलब मजे लग जाएंगे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, बंदा खेले कूदे और फिर खाना पीना करे, मजा ही आ जाएगा। सोनू भाई गार्ड वार्ड लगा लिया तुमने, सुपरमैन के अंडरवेयर पहन ली ना, अब देखते हैं सोनू भाई के अंदर कितना कितना, थोड़ी सी हम इसको बढ़ा देते हैं। चलो भाई अब इसके अंदर हम बॉल डालेंगे, सोनू भाई तैयार हो? अब इसके अंदर हम बॉल डालेंगे, अब देखना कैसे जाएगी आगे। ये बॉल्स ऐसी खतरनाक डालूंगा सोनू भाई के अंदर घुस जाएगी, ये चेक करो। अब ये बहुत बोल रहा था ना मुझे स्पीड कराएगी ना, पब्लू का बच्चा यॉर्कर, ये मैं मार लगा। बोल्ड सोनू भाई की गिल्ली उड़ा दी, क्या हुआ मजा आया खेल के? फसानी की चाल थी मेरे को। अरे मुझसे टसल ले रहे थे। शुक्र है सोनू भाई ने बॉल सेव कर लिया, वरना अगर एक बॉल भी लग जाती तो करीब में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। 170 की स्पीड थी, 170 बहुत होता है, 160 तो शोएब अख्तर जाता है। भाई आपके भाई ने ना इतना कोई बाप खेला है ना, चेक करो भाई आपके भाई को गिफ्ट मिला है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बल्ला इतना छोटा सा है इससे भी आपका भाई मेडल करके दिखाएगा। दी पिच सैयद ने लिखा है यार, फहद रहमान लिखा है, फहद भाई ने ये जीता है वीडियो। अबे तुमने तो बकवास खेला है, ये मेरा गिफ्ट है।